हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल ऑलराउंडर एम के सिंह में। दोस्तों आज हम बात करने वाले थे इस रियलमी C1 की कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसकी बैटरी कितनी चल रही है और कितनी देर में चार्ज हो रही है और इसका जो कैमरा है उसकी क्वालिटी क्या है और जो इसकी जो बैक कैमरा है उसकी क्वालिटी क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिले टेक एंड ट्रेवल वीडियो सबसे पहले। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है रियलमी C1 के बारे में वो कि इसकी बैटरी 4320 mAh की है तो वो कितनी देर में चार्ज कर रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये एक दिन में चार्ज होगा, पूरा दिन लगेगा चार्ज होने में, तो उनके लिए बिल्कुल एक साफ साफ आंसर है। मैंने कल ये फ़ोन अपना चार्जिंग पर लगाया, जैसे ही मैंने चार्जिंग पर लगाया 1:14 पर मैंने चार्जिंग पर लगाया था दोपहर के, और ये शाम को 5:46 पर फुल चार्ज हो गया। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लगभग 4.5 घंटे ले रहा है फुल चार्ज होने पर। जब मैंने चार्जिंग पे लगाया था तब इसकी बैटरी बिल्कुल 1% थी, तो मैंने इसको 1% कर दिया चला चला करके, और यकीन मानिए कि जब 8% से 1% तक आने में इसमें मैंने 2 से 3 घंटे म्यूज़िक लगातार सुना है, तब जाकर ये 7% डाउन हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसका कल मैंने चार्ज किया था इसको 5:46 पर, अभी 1:22 हो रही है और अभी इसकी बैटरी जो है वो 83% है। तो अभी मैं आपको फुल कब ये डाउन होगा तब उसकी, तब तक मैं इसको चार्जिंग पर लगाने वाला नहीं हूँ, आपको बताऊँगा कि ये कितने घंटे इसने जो ओवरऑल है वो बैटरी बैकअप दिया है। तो ये शाम के 5 बजे से चल रहा है, 1:22 अब हो रहे हैं, तो आप लगा लीजिए सिर्फ 17% इसकी बैटरी डाउन हुई है, तो इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। लेकिन फुल बैटरी बैकअप कितना है वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके फ्रंट कैमरे और बैक कैमरे में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जिसका फ्रंट कैमरा है वो 5 MP का है और उसकी जो आपको पिक्चर्स आपके सामने स्क्रीन पर ये रही, तो ये इसकी सेल्फी है और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है सेल्फी, बिल्कुल अच्छा ब्यूटी मोड आगे देता है और ओप्पो शुरू से ही ब्यूटी मोड के लिए फेमस रहा। तो बैक कैमरा जो है उसमें पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है, 2 MP और 13 MP का कैमरा है। जो 13 MP है वो प्राइमरी कैमरा है और जो उसके साथ में 2 MP का कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया है। तो आपके सामने डेप्थ सेंसिंग वाली पिक्चर्स और प्राइमरी कैप्चर वाली पिक्चर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। ये इसकी सिंपल पिक्चर है, सिंपल कैमरे से खींची हुई, नो ब्लर, काफ़ी अच्छी डिटेल दिख जाती है हमें इसमें, ये आपको दिख जाती है ब्लर के साथ, तो पीछे थोड़ा बैकग्राउंड हल्का सा ब्लर है, ये विदाउट ब्लर है, और ये जो आगे वाली पिक्चर है ये आपको ब्लर के साथ मिल जाती है। ब्लर इसका ठीक ठाक है लेकिन इतना खास भी डेप्थ सेंसिंग नहीं हो पा रही है। दोस्तों ये है फ्रंट कैमरे का वीडियो शूट, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन 5 MP के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ये आपको दिख जाता है वीडियो शूट बैक कैमरे से, जो इसका प्राइमरी कैमरा है 13 MP का, तो उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है, 1080p आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी मिल जाती है हमें। दोस्तों ये आपके सामने इसका डेप्थ था, और बाकी रही बात इसकी गेमिंग की, तो सबवे सर्फर्स हमने इसमें चला करके देखा, फिलहाल तो उसको काफ़ी बैटरी चल रही थी, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, बैटरी में कोई इतना मोबाइल हीट भी नहीं हुआ, ना ही बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही थी, नॉर्मल ट्रेन हो रही थी। बाकी इसमें हम पबजी खेलने का हमारा प्लान है कि इसमें पबजी चला करके देखते हैं, और अगली वीडियो में आपको इसका पूरा गेमिंग रिव्यू मिलने वाला है। अगर आप गेम के लिए मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप इसका रिव्यू मत छोड़िएगा गेमिंग वाला, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसमें पबजी खेल के आपको दिखाने वाले हैं और इसका परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं कि पबजी खेलने के बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत सारी वीडियोज़ पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।